हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है, और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। इंशाल्लाह आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, अल्लाह मुझे भी दिखाए और आपको भी दिखाए कि पाकिस्तान, हम दोबारा इस पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। पाकिस्तान कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं हो, हर बंदा मेरे पाकिस्तान का, हर इंडिविजुअल जो है वो अमीर भी है, वो बाशऊर भी है और वो मेहनत कश भी है। सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उसको एक जगह पे लेके जाना है, वहां से उसको उठाना है। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठती, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। हमारे यहाँ अफसोस से है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती है, मगर हमें उन फोर्सेस से डर नहीं है, इसलिए कि हमें अपनी अवाम पे उम्मीद है, अपने अवाम पे नाज है, हमें नाज है पीपल्स पार्टी के वर्करों पे। मुझे लोग जेलों में पूछते थे कि आप क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं ख्वाब देखता हूँ, मैं बलूचिस्तान के लिए ख्वाब देखता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखता हूँ, मेरा काम ख्वाब देखना है। मैंने पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखे हैं और आपके बच्चों के लिए ख्वाब देखे हैं, अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखे हैं। मेरे बच्चों ने आपकी धरती पर रहना है, यहाँ बढ़ना है, यहाँ बड़ा होना है, तो इस किस्म का माहौल देना है जहाँ के आपकी मिडिल क्लास वो अमीर हो सके, जहाँ आपका सरमाएदार वो अमीर हो सके, जहाँ आपका हारी वो अमीर हो सके, जहाँ आपका लेबर वो अमीर हो सके। आज हम सिंध में से हमने 25,000 तनख्वाह से 35,000 की, तो एक मेरे पास सरमाएदार आया जिसकी $250 मिलियन की एक्सपोर्ट है, और वो मुझे कहता है कि सर ये आपने ज्यादा ज्यादती कर दी है, तनख्वाह बढ़ा दी। तो मैंने कहा खुदा के बंदे अल्लाह से डरो, तुम्हारी एक्सपोर्ट मुझे पता है, तुम्हारी बुक्स मुझे पता है, तुम्हें ख्याल नहीं आता कि गरीब कैसे 30,000 में गुजारा करेगा, 35,000 में गुजारा करेगा? आज का ड्राइवर भी 50,000 में गुजारा नहीं कर सकता, आज का टेली वाला भी गुजारा नहीं कर सकता। आप कीमतें तो देखो, आप सोचो तो समझ, जो तो सही, अपनी जेब में हाथ डाल के देखो और अगले की जेब पे नजर रखो कि इस बेचारे का इसमें गुजारा होगा कैसे। तो दोस्तों यही सोच है हमारी कि पाकिस्तान हमने बनाना है, और हमने पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने, आसफा ने, मैंने, हम सब ने मिलके बनाना है, आपने हमारे साथ रहना है, आपके जोर पे हम बनाएंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगा। इस तरह भुट्टो साहब कहते थे कि अजीम मुल्क बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, बिलावल बनाएगा, हम इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएंगे, और इंशाल्लाह दुनिया के नक्शे पे हम अजीम मुल्क बन के उभरेंगे और लोग समझेंगे कि पाकिस्तान भी पाकिस्तान है। आप दोस्तों बलोचों का बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने मुझे इज्जत बख्शी, मैंने आपका प्यार देखा। इंशाल्लाह मैं हमेशा आपके साथ, पहले भी खिदमत करता था, प्यार करता था, अब भी प्यार करूंगा, मरते दम तक, कब्र तक मैं आपको प्यार करता रहूंगा। जिए भुट्टो।